औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। गुजरात के विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी धमाकेदार एंट्री के ज़रिए से वहां पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। और इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने और दो उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पहले अपने तीन उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया था और अब फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ट्विटर के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के दो और उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। और इसी जज्बे और जुनून के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ये दो कैंडिडेट जो भावनगर से शाहनवाज पठान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के भावनगर के उम्मीदवार हैं, अगर उसी के साथ ही साथ मैं बात करूं अब्दुल बशीर शेख साहब की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारे गए हैं, क्योंकि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही है और इसी के ज़रिए से यहाँ पर एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहले ही यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक नया इतिहास उन्होंने रचा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निकाय चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से बाहर निकालते हुए गोधरा जैसे शहर में वहाँ पर मेयर के अहदे पर अपना कब्जा जमाया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को काम बनाने के लिए यहाँ पर ये इलेक्शन का ऐलान किया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है। और एबीपी न्यूज़ के ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक मजलिस यहाँ के विधानसभा इलेक्शन में 18 से 20% का वोटिंग शेयर अपने तरफ खींचती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सत्ता के गुरूर में आकर मजलिस को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है और मजलिस को यहाँ पर उभरने के जो जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रही है, वो उतनी मजलिस यहाँ पर जितना दबा रहे हैं उतनी ही तेज़ी के साथ उभरती हुई नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा इलेक्शन में मजलिस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में अपने परचम को लहराएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले यहाँ पर एक जीत का जश्न मनाएंगे, तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।